तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केके और आज लेकर आ गए हैं आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक। वो है गूगल आई ओ 2024 में पेश किए गए नए एआई फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों वाकई में कुछ धमाकेदार चीज़ें गूगल ने की है, तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि आखिर क्या चीज़ें नई हुई है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम क्रोम में नए फीचर्स ऐड हुए हैं उसके बारे में। गूगल ने इस साल अपने डेवलपर इवेंट में जेमिनी नैनो को क्रोम के साथ इंटीग्रेट किया है। हाँ, आपने सही सुना है, जेमिनी नैनो। दोस्तों ये एक अगर कहें तो एआई इंटेलिजेंट मॉडल है जो सुपर इंटेलिजेंट कहा जा रहा है। हेल्प मी राइट यानी लिखने के लिए हेल्प करता है और फीचर है और काफ़ी पावरफुल भी है। इसका मतलब है कि जब आप रियल टाइम में अपनी राइटिंग को एनालाइज कर सकते हैं और इसमें सुधार कर सकते हैं और सुधार के सुझाव भी पा सकते हैं और हाँ क्रिएटिव टेक्स्ट फॉर्मेट में भी इसे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों एआई का ज़माना है, एआई बढ़ता जा रहा है। इधर चैट जीपीटी कर रहा है, इधर गूगल कर रहा है, उधर मेटा कर रहा है, सब लगे हुए। आप टाइप करना शुरू करेंगे, ये एआई आपको एनालाइज करेगा और रियल टाइम में आपको सुधार करने के सुझाव भी देगा। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और आपका डेटा भी सुरक्षित रहेगा क्योंकि ये सब डिवाइस के अंदर ही प्रोसेस हो रहा है। इसके साथ ही अगर बात कर लेते हैं हेल्प मी राइट फीचर, जो पहले ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, अन्य बहुत सारे टेक्स्ट फॉर्मेट को लिखने में मदद करता था और अब और भी बेहतर हो गया है। जेमिनी नैनो की मदद से ये फीचर न केवल आपकी राइटिंग को सुधारेगा बल्कि और भी क्रिएटिव और प्रोफेशनल बनाने वाला है। और जानते हैं इस नए अपडेट को अब रोल आउट किया जाएगा कब? ये फीचर क्रोम वर्जन के अंदर 126 के साथ आएगा जो फिलहाल केंद्रीय चैनल में उपलब्ध है और उम्मीद है कि आने वाले महीनों में सभी यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा। तो भाई ये थी क्रोम की बात, लेकिन गूगल ने और भी कई धमाकेदार फीचर्स पेश किए हैं, जैसे एंड्रॉयड यूजर्स के लिए स्पैम कॉल डिटेक्शन और सर्कल टू सर्च। इन फीचर्स की मदद से यूजर्स को मिलेगी एक और बेहतर और सुरक्षित एक्सपीरियंस। तो दोस्तों ये थी गूगल आई ओ 2024 के नए एआई फीचर्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हाँ कमेंट करके बताइए कौन सा फीचर आपको ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।